सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हुए पुलिस ने शिक्षक के एक युवक को लिया हिरासत में। भागलपुर पुलिस सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर भी नकेल कसने का काम शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि शहर में अमन शांति व सौहार्द बनाए रखने को लेकर यह कदम उठाया गया है। ताजा मामला इशाकचक थाना क्षेत्र का है। मामला धर्म को लेकर है। एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करते हुए अपने मैसेज को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसी दरमियान यह बात बढ़ी और यह बात पुलिस तक गई, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी कड़ी में आज भागलपुर पुलिस ने 17 वर्षीय मुस्लिम किशोर को हिरासत में लिया है। दरअसल उस पर आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जांच के लिए कहा था। टीम ने जांच कर पूरी जानकारी ली और उसे हिरासत में ले जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शिक्षक थाना क्षेत्र का 17 साल का एक मुस्लिम किशोर है, जिसके बारे में सूचना मिली थी। कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किशोर के मुताबिक एक हिंदू लड़के से बहस हुई थी, इसके बाद ये आवेश में आकर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भ्रामक टिप्पणी की थी। और कुछ दिन पहले पुलिस को पता चला था कि एक शाहिद शेख नामक युवक है, इशाकचक थाने का ही रहने वाला, वो इंस्टाग्राम पर कुछ हिंदू देवी देवताओं के संबंध में भ्रामक चीज़ें लिख रहा है और गलत टिप्पणियाँ कर रहा है। इसमें पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज किया और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। उस मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें वायरल हुई थी उसकी पुष्टि होती है या नहीं होती, अभी कुछ चीज़ें पुष्टि हुई है और इसने और भी कुछ चीज़ें बताई है जिस पर हम लोग का अनुसंधान चल रहा है। और जिस लड़के के साथ ये बातचीत कर रहा था वो इसका दोस्त ही है और संभवतः उसी ने ये सारी चीज़ें वायरल की थी। इसका कहना है कि इसके दोस्त के द्वारा भी काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये माइनर लड़का है, अभी 17 साल उम्र बता रहा है। इसकी जांच हो रही है, कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे और उसको हम लोग कांड का अनुसंधान का पार्ट बनाएंगे। सर, सोशल मीडिया पर पुलिस और किस तरह से नजर रखती है? गलत टिप्पणी, हम लोगों का साइबर सेल है और जो कुछ हम लोग लगातार मॉनिटर करते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कोई पेनल ऑफेंस कारित किया जाता है तो उस पर हम लोग आगे ही कार्रवाई करें। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त कराया गया था, उसकी जांच कराई गई और जांच के क्रम में ये मामला सत्य पाया गया, फिर तत्काल FIR दर्ज कर इसमें आगे की कार्रवाई की गई है। जो शिकायत करता है उसका नाम क्या है? व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी हम लोगों को, इसमें पुलिस खुद ही कंप्लेनेंट है, वादी है। वो गंगा ब्रिज देखने गए थे 0 माइल, वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। दूसरा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है। 17 अक्टूबर को एक टोटो चालक है जो अकबर नगर से सुबह सुबह सवारी लेकर आ रहा था और चंपा नदी के पर जो पुल है वहाँ शौच करने के लिए रुका था, वहाँ पर 3 अपराधियों के द्वारा उसके टोटो को लूट लिया गया था हथियार के दम पर। उसमें हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी और इसमें नाथनगर थाना ने मैनुअल इनपुट के आधार पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों विधि विरुद्ध बालक हैं परंतु इनकी कांड में संलिप्तता पाई गई है और तीसरा अपराधी अभी फरार चल रहा है और इन 2 अपराधियों के निशानदेही पर टोटो का बैटरी और जो उसके काटे हुए पार्ट्स हैं, जिसको इन्होंने कहलगांव थाना अंतर्गत 3 लड़के हैं सचिन मंडल, संजय मंडल, अविनाश मंडल, इनको बेच दिया था, उनके यहाँ से बरामद किया गया, उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। टोटल 5 गिरफ्तारी है इस घटना में और एक अपराधी फरार चल रहा है। तीसरा मामला इशाकचक थाना क्षेत्र